गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदेही रहती है वो गेम खेल रही रहती है जब पूजा के साथ, तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। और वो गिरती जानबूझ से नहीं है, नॉन इंटेंशनली गिर जाती है। पर जब गिरते टाइम वहीं पर प्रीति आ जाती है, और प्रीति जब पूजा के ऊपर गिरते हुए देखती है वैदेही को, तो वो चीज़ पूजा को बिल्कुल भी प्रीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और थोड़ी सी अनबन हो जाती है प्रीति और वैदेही की। तभी पूजा कहती है कि तुम पहले यहाँ पर आकर अपना कंपटीशन कंप्लीट करो, ये जो गेम स्टार्ट किया है इसे करो। तो तभी वो बोलती है कि नहीं, मैं तो हार ही चुकी हूँ मैम, आप जाओ, आप जीत गए हो। तभी बैल रैंग हो जाती है और यहाँ से पूजा है वो चली जाती है। अब उसके आगे पूजा जाते हुए वैदेही को बोलती है कि अगली बार फिर मिलेंगे, और हिसाब तो अभी बहुत सारा पूरा करना है, और ये बोल के निकल जाती। वैदे यहाँ पे खड़े होते रिमझिम को देखती है, तो रिमझिम बोलती है और करो, और लो ना, तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा था ना। मैं तो तुझे पहले कहा था कि मस्ती मजाक की भी एक लिमिट होती है पंगे लेने की, पर तुझे यही सीनियर मिली थी पंगा लेने के लिए, अब तू भुगत इस पंगे को। तो कहती है यार देख, मैंने ना उस दिन न्यू ईयर के दिन मैंने सो गलती से कुछ कह दिया था यार, अब तो ये गले ही पड़ गई है मेरे। अब मैं तो सॉरी भी बोलने के लिए तैयार हूँ, बट है कौन ये? तो कहती है मुझे क्या पता है कौन, मतलब क्या है मेरी, क्या सासू माँ लगती है जो मुझे पता होगा? अरे तो कहती है यार वो तू आकाशी दीदी को बोल के यार इसको मेरे पीछे से छुड़वा ना प्लीज वैदेही, प्लीज प्लीज रिमझिम, वैदेही कहती है। तभी रिमझिम कहती है यार देख, मेरी कोई इतनी क्लोज भी नहीं है आकाशी दी, बट एक बार मैं बात जरूर कर लूंगी। अभी चले, पीरियड ओवर हो चुका है और वैसे भी क्लास में जाना है। तो कहती है हाँ यार, और यार प्रीति भी गुस्सा हो गई है यार। तो रिमझिम कहती है कि प्रीति गुस्सा क्यों हुई है वैसे तो? तो कहती है वो मुझे क्या पता है यार, वो तो उसके चेहरे से दिख रहा था ना कि वो तो एंग्री बर्ड है, तुझे तो पता है जब वो एंग्री बर्ड होती है उसके फेस से दिख जाता है। तो वो एंग्री बर्ड मुझे दिख रही थी इसलिए मैंने कहा कि उसे गुस्सा आ गया है। ओहो हाँ, वो तो आएगा ही ना जब उसकी प्रेमी का उफ लव बर्ड किसी और के ऊपर गिरेगी, तो किसी को भी तो दर्द होगा ना। ओ तो ये रीजन की वजह से उसे पेन हुआ, मतलब मुझसे प्यार करती है रिमझिम? बोलना यार उसे, बोल देना कि वो मुझसे प्यार करती है, सच्ची में मैं किसी को भी नहीं देखूंगी, उसे बोलना। तो रिमझिम कहती है ओ कौन सी फिल्म की आशिकी दिखा रही है, चुपचाप चल, मैं तो सिर्फ तेरे मजे ले रही थी, चलो क्लास में। तो ऐसे करके सब क्लास में चले जाते हैं। तो जब वो लोग क्लास में जाते हैं तो क्लास में बैठते हैं, और जो प्रीति रहती है वहाँ पर सबको बिठाती है, अपने चीज़ों पे लग जाती है। प्रीति अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही वैदेही आती है वो प्रीति से बात करने की कोशिश करती है, पर वहाँ से जो अरुण होता है वो वैदेही को खींच के लेके जाता है और बोलता है सुनना यार, मेरे ना एक चीज़ देखी है यार, इसके बारे में बताना। तो वहाँ से वैदेही और प्रीति के बीच में आई कॉन्टैक्ट तो होता है, पर एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी अपसेट दिखती है। और प्रीति भी मतलब ऐसे दिखता है कि मुझे बात करनी है, और वैदेही के भी फेस पे ऐसा रहता है कि उसे भी बात करनी है, पर दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। और यहाँ से वो लोग चले जाते। जैसे वो जाते हैं तो वहाँ जाके बैठ जाते और अरुण कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगता है, तो अरुण को बताने लगती है। तभी रिमझिम आती है और रिमझिम प्रीति का चेहरा देखती है और वहाँ पे वैदेही का चेहरा दिखती है, और वो समझ जाती है चीज़ें। तो वो भी जाकर प्रीति के बाजू में बैठ जाती है, प्रीति की सीट खाली रहती है, तो प्रीति के बाजू में बैठती है और बोलती है कि क्या हो गया है प्रीति, इतनी टेंशन में क्यों दिख रही हो? तो प्रीति कहती है कि नहीं मैं क्यों टेंशन में होंगी। तो कहती है अरे मतलब देखो ना चेहरे पे तो बहुत टेंशन दिख रही है। तो प्रीति कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है वैदेही, सॉरी रिमझिम, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप क्या हो गया? तो कहती है देखो तो मुंह पर भी वैदेही का नाम है और बैठी रिमझिम है, तब भी तुम क्या तो वैदेही को कर रही हो? हाँ यार मतलब बहुत बुरा लगता है, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, बुरा तो लगना ही चाहिए ना, जब आप जिससे प्यार करते हो और उस पे कोई और लाइन मार रहा है तो बुरा तो लगेगा ही ना, और लगना भी चाहिए। मुझे तो पता देखकर ही समझ में आ रहा है कि तुम्हें कितना अंदर से गुस्सा और पेन हो रहा होगा। अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड पे उफ सॉरी तुम्हारी
गर्लफ्रेंड नहीं है ना वो, हाँ तो वैद्य ही तुम्हारी क्या है, दोस्त या, लेकिन जिस दोस्त से तुम प्यार करने लग गई हो उस पर दिल आ चुका है पूजा दी का। अब पूजा दी तो वैद्य के पीछे पड़ चुकी है। प्रीति बहुत बड़ी सिचुएशन है यार, अब पूजा है रही सीनियर, हम रहे जूनियर, वैद्य तो बेचारी क्या करेगी। हाँ हो सकता है, समझ सकती हूँ जब इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही हो तो तुम्हें काफी ज्यादा टेंशन होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट तुम कितनी ब्रेव हो कि फिर भी ये कह रही हो कि कोई टेंशन नहीं है। यू आर वेरी स्ट्रांग प्रीति, आई रिक्वेस्ट, आई यू नो आई जस्ट सपोर्ट, और आई क्या बोलते हैं उसे, मैं बहुत ज्यादा क्या वर्ड बोलते हैं उसे, एप्रिशिएट एप्रिशिएट करती हूँ इतनी सारी चीजों को। तो जैसे ही रिमझिम उस पे बोल कर आग लगा कर उसको थोड़ा सा टीज करके जैसे ही उठ रही रहती है, तभी जो प्रीति है उसका हाथ पकड़ के बोलती है बैठो यहाँ पर। तो प्रीति को जैसे ही रिमझिम देखती है बोलती मैं बैठू, तो कहती हाँ बैठो उधर, तो बैठ जाती है रिमझिम। तो रिमझिम बैठते हुए बोलते है कि हाँ बोलो प्रीति क्या हुआ, तो कहती तुमने क्या कहा कि वो प्रीति पूजा का दिल आ चुका है वैदेही पे, ये कब हुआ। तो मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ, प्रीति कहती है थोड़े से रुक रुक के एकदम टेंस वे में। तभी रिमझिम कहती है तो तुम्हें क्या लग रहा था वो इतने पीछे क्यों पड़ी हुई है, जब देखो हाँ वैली को क्यों बुलाती रहती है, आई मीन लाइक करने लग गई होगी, पसंद आ गई होगी, लाइक करने लगी है पसंद आ गई है तभी तो, लाइक करने लगी पसंद करने लगी तभी तो उसको बार बार बोलती है कि इधर आओ मुझे बात करनी है। और आज तो गेम तो हम लोग खेल रहे थे, तो जबरदस्ती गेम में आकर घुसी है, तो हो सकता है ना, आई मीन ये मेरा अजम्पशन है प्रीति, मुझे नहीं पता है, और मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, तो शायद हो सकता है, पर प्रीति जहाँ तक मेरा गैस है मुझे ऐसा लगता है कि ये होगा, बट कंफर्म तो तुम्हें देखकर करना पड़ेगा ना, मेरा तो गैस है। तो प्रीति थोड़ी सी टेंशन में होके बार बार वैद्य को देखे जा रही रहती है, और वैद्य को देखते वो एकदम से पूछती है अच्छा वैद्य को पता है कि पूजा मैम का दिल आ गया, पूजा दी का दिल आ गया है। तो वो कहती है शायद वो तो ढक्कन है ना, उसे तो अपनी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पता था कि वो तुम्हें लाइक करने लग गई है, तुम्हें पसंद करती है, उस बारे में भी नहीं पता था, तो फिर ये कैसे पता चलेगा। ऑफ कोर्स उसको जब तक मैं नहीं समझाऊंगी, जब तक मैं नहीं बताऊंगी, तो उसे कैसे पता चलेगा, वो थोड़ी सी इस मामलों में ना यू नो उसे पता नहीं रहता है। और तुम्हारे लिए भी तो फीलिंग्स उसके अंदर है, ये भी मैंने ही बताई थी, तो कैसे अब हो सकता है। अच्छा सुनो मैं जरा जाऊँ अपनी सीट पे, वो क्या है ना मुझे बहुत सारे काम है, बाय। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है, प्रीति को बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो आस्था से बात कर रही रहती है और उसके साथ काफी ज्यादा डिस्कशन कर रही रहती है। अनन्या जैसी आती है गेम्स के वहां पर, तो वो निशान की तरफ देखती है, चाहत की तरफ नहीं, चाहत तो आस्था के साथ बातें कर रही थी, नॉर्मल लगी रहती है, तो जो अनन्या है वो निशान की तरफ देखती है, तो निशान हेड डाउन किया रहता है और वो थोड़ा सा टेंस दिख रहा रहता है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही रहती है। तो चाहत जो है वो अनन्या की तरफ देखती है और उससे बात करने के लिए उसका हाथ पकड़ने वाली रहती है, बट अनन्या की नज़र एकदम से जाती है निशांत के पास और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। जैसे ही उसके साइड जाकर बैठती है, मतलब सीट खाली रहती है, वो वहाँ बैठती है, उसको बोलती है ओए निशांत क्या हुआ है तुझे, तू ठीक तो है। तो वो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ यार, तू बता क्या है सब कुछ। तो कहता है अरे तू इतना टेंशन में क्यों है। जब वो वहाँ से देखती है तो निशान बोलता है यार मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो कहता है यार दिख रहा है चेहरे पर, क्या हो गया, तू बताएगा नहीं तो कैसे चलेगा। कहता है कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा मन नहीं लगता अब किसी भी चीज़ पे, अब थोड़ा सैड सैड सा रहता हूँ। तो वो उसको हक करती है साइड से और कहती है डूड इसमें सैड होने वाली क्या बात है, देख सबकी लाइफ में ना ये अप्स एंड डाउन आते हैं, दिल टूटता है होता है,
थोड़ा जल्दी दिल टूट गया, बट कोई बात नहीं यार। पता है अनन्या, मैं उसे ना बचपन से प्यार करता था, बचपन से। मतलब हम लोग नर्सरी से एक दूसरे को देख रहे हैं यार। जब जब से स्कूल से आया था तब से उसे लाइक करता था, और जब समझ में आया तो प्रपोज किया। बट अगर उसे प्यार नहीं था तो यार उसे बोल देना चाहिए था ना। ठीक, आज भी वो चाहत के साथ बातें करके कितनी खुश तरीके से रह रही है, पर मैं नहीं रह पा रहा हूँ यार। मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है। मैं सीरियसली उसे बहुत लाइक करता था, बहुत ज्यादा। मुझे तो रो रो के मेरा गला भी खराब हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अनन्या कहती, तो बेवकूफों की तरह रो क्यों रहा है यार? देख, कभी कभार ऐसे ही होता है, हम किसी को प्यार करते, उसके बैक में हमें प्यार मिले ये जरूरी नहीं है। हो जाता है यार, अब हो गया ना। अभी उस बात को अगर जितना बैठेगा, जितना याद करेगा, जितना उसके बारे में सोचेगा ना, उतना दर्द में रहेगा, उतने पेन में रहेगा। लेकिन अगर तू ये सब चीजें, तो यार समझ ना। तो कहता है, ठीक है यार, समझ तो रहा हूँ, बट यार कैसे हैंडल करूँ नहीं होता है। तभी वहाँ से आस्था निशान की तरफ देखती है, तो अनन्या उसे हग कर ही रहती है और उसकी शोल्डर पे अपना सर रख के, मतलब बहुत प्यार से बैठ के करती रहती है। तभी चाहत को आस्था कहती है कि यार देखना, ये दोनों कितने क्यूट कपल्स लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि निशांत को ना अनन्या के साथ हो जाना चाहिए। यू नो, वो उसको काफ़ी अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, काफ़ी अच्छे से उसको हैंडल करेगी। शायद मैं उसके लिए राइट पर्सन नहीं थी। मेरा तो जब से उसके पे दिल आया है, मेरा रह ही नहीं जाता उसके बिना। और वो काफ़ी अच्छा है यार, मुझे रोज आइसक्रीम चॉकलेट सब खिलाता है, बहुत क्यूट है। तो चाहत कैसी? मुझे ऐसा लगता है कि तुझे निशान से भी बहुत अच्छे से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो आशा कहती है, हाँ यार, मैं तो भूल ही गई, जिस पर्सन को मैंने सबसे ज़्यादा हर्ट किया है उसे तो मैंने माफ़ी नहीं मांगी। मैंने सबसे माफ़ी मांग ली उसे छोड़कर। रुक, मैं माफ़ी मांग कर आती हूँ। तो वो वहाँ जाती है, साइड पे बैठती है, मतलब सामने वाली डेस्क पे बैठती है और फेस निशान की तरफ करते हुए बोलती है, निशांत, आई एम रियली सॉरी यार। मतलब मैंने कहीं ना कहीं तुझे किसी ना किसी तरीके से कैसे कैसे तो हर्ट किया है, और शायद मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मुझे ऐसा लगा कि यू आर द राइट पर्सन फॉर मी। बट ये बात मुझे बाद में समझ में आई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई हर्ट यू। मैंने मतलब हर्ट भी किया, चीट भी किया, सही तरीके से नहीं बताया। मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोलती हूँ यार। मैं मानती हूँ मैं अपनी गलती को नहीं सुधार सकती, बट यार हम दोस्त तो हैं ना, इतने सालों की दोस्ती एक छोटी सी चीज़ से तो मत तोड़ यार, प्लीज़, आई एम सॉरी। तो निशांत बहुत ज़्यादा प्यार करता है था आस्था से, और करता है। तो वो कह देता है, इट्स ओके आस्था, तू खुश है ना जिसके साथ भी रहे, तुझे कभी भी मेरी ज़रूरत होगी मैं रहूँगा। तो वो उसका हाथ पकड़ती है निशांत का और कहती है, थैंक यू सो मच यार, इतनी अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए, थैंक यू बडी, यू आर द ऑसम। निशांत, मुझे इसलिए तू सबसे ज़्यादा पसंद है, तू हर चीज़ को समझता है और मुझे ना हर कंडीशन, हर चीज़ों पे सपोर्ट करता है। यू आर द बेस्ट टूट, आई आई कांट इवन इमेजिन कि मेरी लाइफ तेरे बिना। हाँ, बट शायद पार्टनर्स के वेस पे नहीं, लेकिन हम एक अच्छे दोस्त के वे में तो हमेशा रहेंगे ना। तो निशान बोलता है, हाँ मैं अच्छा दोस्त हूँ और मैं हमेशा रहूँगा। तो कहती है, ठीक है, और बाय द वे यू गाइस लुक वेरी क्यूट सेम। तो निशान बोलता है, क्या? तो अनन्या बोलती, क्या हो गया तुझे, क्या बोली जा रही है? तो कहती है, अरे मतलब तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, और सच बोलो ना अनन्या, तुम्हें निशान से अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, और निशान तुझे अनन्या जैसा। मतलब देखो ना, तुम दोनों कितने साथ में अच्छे लगते हो, और अनन्या जिस तरीके से तुझे हैंडल करती है यार, कोई भी नहीं कर सकता है। थोड़ी देर में चाहत खड़े होके आ जाती है आस्था के पास और आस्था की सारी बातें सुन रही थी। अनन्या तो बार बार चाहत की तरफ ही देखे जा रही थी और चाहत अनन्या की तरफ, और जो निशांत है वो आस्था की तरफ देखे जा रहा था, और आस्था कंटिन्यूस सबकी तरफ देखते हुए बोल रही थी, यार गाइस मुझे ऐसे मत देखो, और मैं सच कह रही हूँ, दे गाइस लुक वेरी क्यूट ईच अदर, एंड निशान यू जस्ट हैव टू थिंक अबाउट दैट।
मतलब पार्टनर में क्या क्वालिटीज चाहिए, जो क्वालिटीज तुझे चाहिए वो सारी अनन्या में है. सो आई थिंक द अनन्या इज अ बेस्ट पार्टनर फॉर यू. थिंक अबाउट दैट एंड यू आर गाइस, यू लुक वेरी क्यूट एंड लवली ईच अदर. तभी अनन्या खड़े के बोलती है, आस्था थोड़ा ज्यादा हो रहा है और तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम एक काम करो अपनी जाके सीट पे बैठो. और अनन्या भी वहां से उठकर चली जाती है. अनन्या जाके प्रीति के साथ बैठती थी तो प्रीति के पास चली जाती है. प्रीति बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है तो अनन्या उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती, क्या हुआ? तो प्रीति एकदम से डर जाती है तो कहती है, अभी तू डर क्यों रही है, क्या हो गया? तो कहती, कुछ नहीं यार, समथिंग होश पोश ही चल रहा है यार. और उतनी देर में ना वहाँ की टीचर आ जाती है और लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं. ऐसे 2-3 लेक्चर खत्म होने के बाद पूरा का पूरा स्कूल खत्म हो जाता है. जैसे स्कूल खत्म होता है सबके सब जाते हैं. तो जो चाहत रहती है वो ऑल टाइम अनन्या की तरफ देख रही रहती है. तो अनन्या आती है, चाहत का हाथ पकड़ती है और बोलती, क्या सोच रही हो इतनी देर से? तो कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं कुछ सोचूंगी? तो कहती है, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन कह रहे हैं क्या सोच रही हो. मेरे बारे में सोच रही हो क्या? तो चाहत कहती है, क्यों, तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो जो तुम्हारे बारे में सोचूं? तो कहती है कि यार प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो हर कोई सोचता है ना, मैं तो तुम्हारी मिनिस्टर बनना चाहती हूँ ना, कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो. तो चाहत एकदम से हंसने लगती है, बोलती, क्यों मेरी मिनिस्टर बनना है तुम्हें? तो कहती है, अरे अरे तुम हंसते हुए बहुत क्यूट लगती हो. तो कहती है कि हाँ तो मैं क्यूट हूँ तो लगूंगी ना. तो कहती है, क्या हुआ है, अपसेट क्यों होती हो? अच्छा सुनो, मैं ना सोच रही थी कि हम कहीं घूमने चले. तो कहती है, हम मीन्स, कहती तुम और मैं, सिर्फ हम दोनों. तो चाहत कहती है, हम दोनों कैसे जाएंगे, तुम्हें पता है ना मेरे घर से निकलना नहीं हो पाता है. तो कहती, मेरे घर से भी कौन सा होता है, थोड़ा ट्राई करते ना, प्लीज प्लीज चलते ना घूमने, तो मोमोज खाने चलेंगे. और मैं साथ में आइसक्रीम भी खिला दूंगी, आप खिलाओगी? तो कहती कि हाँ आप प्लीज. तो कहती है, अनन्या पता है पॉसिबल नहीं होगा घर से निकलना. मेरे घर में तो मेरी ट्यूशन की बात चल रही है, वो एक्चुअली ना थोड़ा पढ़ाई में फोकस कम हो रहा है, मम्मी पापा को टेंशन हो रही है तो वो लोग मेरी ट्यूशन लगाने की बात कर रहे हैं. कहाँ पर? तो अनन्या पूछती है. तभी वो बोलती है, वो जो सेंटर सेंटर पॉइंट है ना, बिल्डिंग, सेंटर पॉइंट बिल्डिंग, वो चौराहे, वो जवाहर चौक वाली. तो कहती है कि हाँ, वहीं पे सेंटर पॉइंट पे ना, वहाँ ऊपर ना ट्यूशन क्लासेस है, तो वो लोग ना वो लगाने की सोच रहे हैं. तो कहती है, हाँ तो देख लो. तो कहती है कि अरे पर मैंने उनको बोला अभी मत लगाओ, 9th अभी तो खत्म ही होने वाला है ना अपना 8th सेमेस्टर, तो 9th से चले जाएंगे. तो कहती है कि हाँ जाने को तो जा सकते हैं, पर चली जाओ ना अगर अच्छी लगती है तो. कहती है, क्यों क्यों, तुम क्यों बोल रही हो? तो कहती है, वो क्या है ना, सेंटर पॉइंट पे मैं आ जाऊंगी ना तुमसे मिलने के लिए, तो तुम चली जाओ, मैं आ जाऊंगी, तो तुम मेरे साथ कोचिंग में ही चल लो ना साथ में फिर तो. अच्छा ये आइडिया भी बुरा नहीं है, बट मम्मी से बात करनी पड़ेगी यार, फिर मम्मी प्रीति को बोलेंगी, फिर वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है. तो कहती, अरे तो क्या हो गया, चल लेते ना साथ में, कोचिंग भी क्लासेस हो जाएगी. तो कहती है, ठीक है मैं उस बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन अगर तुम सेंटर पॉइंट आती हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं वहीं मिलूंगी तुम्हें, मेरे घर के पास है सेंटर पॉइंट, मैं आ सकती हूँ आराम से. और मेरे घर से ना मैं आराम से निकल जाऊंगी, तुम्हारे घर से इशू होगा ना, मम्मी भेजती नहीं है ये सब, तो मैनेज कर लेंगे ना. तो अनन्या बहुत प्यार से स्माइल के वे में बोलती है. तो चाहत बोलती है, ठीक है मैं आज सेंटर पॉइंट वैसे भी जाने वाली हूँ वो एडमिशन के लिए, लेकिन मैं पापा के साथ आऊँगी. तो कहती है कि हाँ तो ठीक है, आ जाना पापा के साथ और पापा को कह देना कि मैं वहाँ पर तुम्हें रैंडमली तरीके से मिल जाऊँगी, तो हम थोड़ा बात भी कर लेंगे. तो
पापा को कह देना कि थोड़ा 10 मिनट हम दोनों को अकेले दे दें। पापा भी स्ट्रिक्ट है क्या? तो कहती है नहीं नहीं मम्मी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो ठीक है शाम को मिलते हैं। तो हाँ शाम को मिलते हैं। तो दोनों एक दूसरे से बात करते टाइम बहुत शर्माते हुए बहुत ब्लश करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, और जैसी बात करने के बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते। निशांत जब विकास और विवेक के साथ बस में आकर बैठता है तो वो ही सोचा रहता है कि अनन्या तो परफेक्ट लड़की है। तो अनन्या के बारे में जैसी आस्था बोलती तो आस्था क्या करती है, आस्था की भी बस वही रहती है। तो आस्था निशान के बाजू में आकर बैठ जाती है। तो निशान बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं बैठना है? तो कहता है मेरा बॉयफ्रेंड आज नहीं आया है। अच्छा तो नहीं आया है इसलिए तुम मेरे साथ बैठी हो। तो कहता है अरे यार तुम क्यों इतना एकदम टिपिकल बॉयफ्रेंड्स की एक्स की तरह बात कर रहे हो। अरे यार ऐसा नहीं है, देखो हम भी तो दोस्त हैं ना, हम एक दूसरे के साथ बात तो कर सकते हैं ना। मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है निशान तुम्हारे साथ। हम अपनी दोस्ती थोड़ी ना खोएंगे एक रिलेशनशिप के चक्कर में, बचपन से साथ है यार। तो कहती है यार, कहता है हाँ यार ऊपर थोड़ा ना ऑकवर्ड लगता है, थोड़ा हैंडल नहीं हो पाता। तो कहते टाइम लगेगा निशान, हो जाएगा आस्था कहती है। तभी वो कहता है कि क्या सोच रहे थे तुम? तो निशान बोलता है मैं क्या सोचा था, मैं कुछ नहीं सोचा था। अरे वो एग्जाम पास में आ रहे हैं ना, और हमारा देखो अब सेमेस्टर भी सिर्फ जल्दी से, मतलब ये पूरा ईयर भी फटाक से खत्म होने वाला है। हम 9th में प्रमोट हो जाएंगे और फिर एग्जाम्स भी जल्दी आ जाएंगे। तो वही सोच रहा था। तो कहते कि हाँ हाँ बहुत टाइम है अभी, उसके बारे में इतना मत सोचो। अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ जितना निशान, तुम एक्चुअल में मेरी बातों के बारे में सोच रहे थे कि मैंने ये अनन्या के बारे में बोला था। तो अब मेरा अजम्पशन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अजम्पशन गलत नहीं है, तुम अनन्या के बारे में सोच रहे थे ना, बताओ बताओ बताओ। तो निशान चुप हो जाता है और आस्था की तरफ एक तरफ मतलब सिर्फ घूरे जा रहा रहता है। तो वो बोलता है कि यार तुझे कैसे पता? तो वो बोलती है कि ओ मुझे कैसे पता, मैं तेरी बचपन से दोस्त हूँ तेरी, मुझे सब पता रहता है कि तुझे कब क्या पसंद है क्या नहीं है। चल वैसे अनन्या काफी अच्छी लड़की है, सो सकता है। तो कहती है यार पर उसे थोड़ी ना मैं वैसे वे में पसंद होऊंगा, मतलब लाइक दिस। तो कहती है वो पता कर लेंगे ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है, वो पता करेंगे अपन। अच्छा अभी तू स्माइल किया कर, और स्माइल करते हुए अच्छा लगता है, मैं हूं ना यहाँ पर तेरे लिए। तो आस्था बहुत अच्छे से निशान के साथ अपनी एक बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप बाउंडिंग को भी अच्छे से करती है, और कहीं ना कहीं आस्था को ऐसा लगता है कि उसने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत किया रहता है निशान के साथ। तो वो अपनी गलती को सुधारने के लिए, या फिर ये बोलो कि अपने दोस्त को हैप्पी रखने के लिए, वो उसको बोलती है। हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे जो गाड़ी लेकर आती है वैदेही, और प्रीति को बोलती है चलो बैठो। तो प्रीति बोलती है मुझे नहीं बैठना है, मैं चली जाऊंगी, मुझे मत बोलो। तो वैदेही कहती है कि यार क्या हो गया है प्रीति, बैठो तो सही यार, रोज का है मेरा, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ तो आप क्यों इतने नाटक कर रही हो? तो कहती है हाँ रोज का है ना, मुझे नहीं बैठना है। तो रिमझिम आके बोलते कि अरे यार उसे नहीं बैठना है, उसको फोर्स ना करो ना। तो ये बोलती है यार तुझे हो क्या गया है, तू क्या बोले जा रही है यार, मैं उसको रोज छोड़ती हूँ। तो कहती मत छोड़ना, रहने दे उसको, नहीं जाना है तो मत जाने दे, चल मुझे छोड़ दे आज घर। तो प्रीति ये एकदम से रिमझिम की तरफ देख के बोलती है कि, तो वहां से ना एकदम से पूजा जा रही रहती है। तो पूजा अपनी स्कूटी को सामने लाके खड़ी करके बोलती है एनी प्रॉब्लम? तो रिमझिम उसी तरफ देखती है, नहीं बोलती है पूजा दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस रिमझिम को कह रही, मैं तो बस वैदेही को कह रही थी कि मुझे घर तक छोड़ दे। तो और या तो अगर नहीं छोड़ना अपनी गाड़ी दे दे, मैं घर ले जा लूंगी। तो वो एकदम से देख के बोलती है वैदेही, अगर मैं तुझे अपनी गाड़ी दे दूंगी तो मैं कहाँ से जाऊंगी? तो कहती है तो तुझे तो पूजा दीदी छोड़ देंगी ना, टेंशन क्यों ले रही है, पूजा दीदी छोड़ देंगी, पूजा दीदी आप छोड़ सकते हो क्या? तो पूजा बोलती है हाँ मैं छोड़ दूंगी, चलो बैठो मेरे पास और गाड़ी दे दो रिमझिम को। तो वहां से प्रीति बोलती है फिर मुझे कौन छोड़ेगा? तो
एकदम से रिमझिम कहती है, तुम तो जा ही नहीं रही हो ना, इसलिए तो प्रॉब्लम थी। अगर तुम जाती तो ये सब इशू ही नहीं होता। तो प्रीति कहती है, नहीं, पूजा दी वो एक्चुअली क्या है, मैं और वैदी साथ में जाते हैं, तो मैं जा रही हूँ, आप प्लीज रिमझिम को घर छोड़ दीजिए। रिमझिम आप पूजा दीदी के पीछे बैठ के चले जाओ, मैं तो वैद्य के पीछे बैठ के रोज ही जाती हूँ, तो मेरा तो है ही। तो ऐसे करके प्रीति फटाक से वैद्य के पीछे बैठ जाती है, वैद्य कुछ बोलती नहीं है और गाड़ी को आगे करती है, और पूजा दी वहाँ खड़ी रहती है, और पूजा बोलते कि चलो रिमझिम मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ बैठो। तो बैठते हुए तो जो वैद्य रहती है वो रिमझिम की तरफ देख के बोलती है, और रिमझिम जो है उसे आंख मारते हुए कहती है कि जा। तो वैदे ही हंसने लगती है और वहां से चली जाती है दे, और पूजा यहाँ से जाती है। तो पूजा जाते जाते हुए निमजिम से पूछती है कि ये वैदे ही रोज प्रीति को छोड़ती है, तो वो कहती है कि हाँ एक्चुअली वैदे ही को रोज छोड़ना पसंद है प्रीति को, तो अच्छा लगता है ना उसे, रिमझिम कहती है। तो रिमझिम कहती है क्यों छोड़ना रहता है, मतलब प्रीति अपनी गाड़ी से नहीं आती क्या, तो पूजा पूछती है। तो रिमझिम कहती है कि नहीं, वो अपनी गाड़ी से नहीं आती है, वो वॉकेबल डिस्टेंस है, तो ये जाते जाते छोड़ देती है, और अच्छा भी लगता है ना, कि वो एक्चुअली उसका एरिया थोड़ा सा सुनसान है ना, तो वो वहाँ पर जाकर आराम से छोड़ते हुए जाती है। आप बताओ दी, आपका कहाँ पर है घर? तो कहती है मेरा घर तो यहाँ से इस एरिया में, आप बताओ आपका कहाँ पर है? तो कहती मेरा इस एरिया में, तो आपके एरिया से पहले मेरा घर आ जाएगा। तो कहती हाँ वो कोई इशू नहीं है, मैं तो आपको छोड़ देती हूँ। अच्छा और बताओ वैदेही के बारे में, क्या है, कैसी है, क्यों, मतलब, और ये प्रीति उसकी क्या, मतलब बेस्ट फ्रेंड है क्या है? तो कहती नहीं, बेस्ट फ्रेंड तो मैं हूँ, प्रीति तो उसकी दोस्त है बस। और क्या जानना है आपको वैदेही के बारे में दी? वैसे वैदेही से आपको ना बहुत वैदेही से प्रॉब्लम है, आप उसको बहुत टीज करते हो, मतलब लाइक समथिंग कुछ हुआ था क्या? तो पूजा हंसते हुए बोलती है, अरे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैदेही से, एक्चुअली मुझे उसके साथ मस्ती करना अच्छा लगता है, मैं तो उसे बस टीज करती हूँ, परेशान करती हूँ, और वो काफ़ी अच्छा लगता है उसे परेशान करने में, जब वो टीज होती है ना तो मुझे अच्छा लगता है बस, और कुछ रीज़न नहीं है। तो कहती है अच्छा सही है दी, बहुत सही है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है वो गाड़ी लेकर जा रही रहती है। हाँ तो क्या है तुम्हें, तुम पहले क्यों नहीं अच्छे से बैठ रही थी मेरे साथ, वैदे कहती है। तो प्रीति कहती है मेरी इच्छा नहीं थी। तो कहती अब क्यों बैठ गई? तो कहती तो क्या तुम्हें पूजा के साथ जाने देती, और वो पूजा तुम्हारे पे इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है? तो वैदे कहती है अरे मुझे क्या पता यार, मुझे क्या पता, वो तो पता है सच्ची में बहुत पीछे पड़ गई है, और रिमझिम तो बस मेरे मजे लेती रहती है। नहीं तो मुझे बताओ, बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा और वो पूजा का, पहले वो पूजा तुम्हारे ऊपर गिरती है, नहीं, पूजा के ऊपर तुम गिरती हो, और ये सब चीजें चल रही है, तुम्हारा क्या चल रहा है मुझे जल्दी जल्दी बताओ। वैदे ही तुम कर क्या रही हो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी चीजें। जब ये बातें जिस तरीके से बोल रही रहती है तभी तो उसकी वॉइस थोड़ी सी रोने जैसी हो जाती है, तभी वैदेही अपनी गाड़ी रोकती है और साइड में लगा के बोलती है कि क्या कर रही हूँ, मतलब क्या है, मैंने कुछ नहीं किया है वैदेही, मैंने कुछ नहीं किया है प्रीति, मैं तो बस गेम खेल रही थी, बास्केटबॉल, वो गलती से मेरे ऊपर गिर गई थी, और आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? कहती पता नहीं क्यों, समथिंग कुछ हुआ है क्या? तो कहती है नहीं, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यार आंखों में कुछ गया है, रुको रुको मैं देखती हूँ। तो जो वैद्य है वो अपनी गाड़ी को साइड में करती है, उतरती है और प्रीति का साइड में खड़ा करती है, और उसके एकदम करीब जाके उसकी आंखों में देख रही रहती है, आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, तो अपना हैंकी निकालती है, उससे उसकी आंखों को पोंछती है और देख रही रहती है कि कुछ हुआ नहीं, और आंखों पर फूंक मार रही रहती है, और ये दोनों बहुत ज्यादा करीब हुए रहते हैं, जैसे करीब होते होते ना उसकी आंखों में से एक आंसू निकलता है, तो प्रीति की, तो वैदे ही थोड़ा पीछे उठ के बोलती है कि क्या हो गया है, एकदम से आप रोने क्यों लग गए हो? तो कहती नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, वो कुछ नहीं। तो वैदे फिर थोड़ा आगे जाके उसके आंसू पोंछती है और कहती है फिर भी रोया मत करो, अच्छी नहीं लगती हो रोते हुए, और आप जब रोते हो ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आप बहुत क्यूट हो।
तो फ्रेंड्स मुझे आगे भी और कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड करना था इनके ये जो मूवमेंट है अभी तो बचे हैं। मैं जानती हूँ मैंने गलत टाइम पे रोका है, बट मेरे पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मैं अभी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।